दलात वेत नाम का हिल स्टेशन है और यहाँ वेत नाम की कॉफी के गार्डन्स हैं। कॉफी को इंसान ने कैसे एक्सीडेंटली डिस्कवर किया, कैसे बनाई जाती है कॉफी और इस जानवर की पूप से निकलने वाली कॉफी क्यों इतनी महंगी और मशहूर है, ये सब देखने के लिए आज दलात को एक्सप्लोर करने निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम वियतनाम का एक बहुत ही छोटा सा फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट पार्क भी इसको कहते हैं, कैम तियन, नैम कैम तियन, कैम तियन नेशनल पार्क इज समथिंग लाइक दैट। और रात इस फॉरेस्ट के अंदर ये छोटा सा, अगर आप देखें माउंटेन्स और जंगल के दरमियान में ये एक छोटा सा हट बना हुआ है और बड़ा ही अच्छा इन्होंने कुजी सा इधर बनाया हुआ है। मेरे साथ सिर्फ एक छोटी फैमिली रह रही थी और मैं यहाँ पर मैंने स्टे किया और ओवरऑल रात वॉज वेरी गुड। अब जल्दी से मैं अपना सामान वगैरह पैक कर रहा हूँ, चीज़ें वगैरह अपने बॉक्स में डाल रहा हूँ और ब्रेकफास्ट की मुझे कॉल आ गई है, जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर अपना सामान पैक करके निकलते हैं। ब्रेकफास्ट हमारा रेडी है तो इसमें एक बामी, बामी के साथ दो एग्स हैं। आज का प्लान यही है कि सफ़र है बहुत लंबा, हम लोगों ने दलात की तरफ जाना है। एक्चुअल में दलात के लिए ही निकला था कल भी, लेकिन बहुत लंबा सफ़र था तो इसलिए यहाँ पे स्टे किया। थैंक यू। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी के जो बीन्स हैं उसको उसी टाइम ही क्रश करते हैं और एट द स्पॉट ही उसको फिर उसका जो है जूस निकालते हैं, ब्रूइंग करते हैं उसकी। ब्रूइंग करने के बाद फिर इसके अंदर कंडेंस मिल जाते हैं। साढ़े आठ बजे हम निकल रहे हैं और कोई ढाई बजे जाके शायद हम पहुंचेंगे, ढाई बजे के आसपास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सफ़र टूवर्ड्स दलात, जिसके लिए हम कल निकले थे और रुकना पड़ गया था हमें इस छोटे से फॉरेस्ट नुमा नेशनल पार्क के अंदर। तो जल्दी जल्दी चलते हैं, हवा थोड़ी थोड़ी मज़ेदार ही है क्योंकि हम ज़रा ग्रीन एरिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एंटर होते जा रहे हैं और जैसे जैसे हम अभी ऊपर जाते जाएंगे टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ वियतनाम तो हमें मज़ीद ग्रीनरी भी मिलेगी। तो आज का जो शहर है दलात, दिस इज़ वन ऑफ माई टू डू लिस्ट जिसके अंदर मुझे जाना है। स्पेशली मैंने पिछली दफ़ा ये नहीं कवर किया था और क्यों जाना है, बिकॉज वियतनाम की जो कॉफ़ी है सारी वो दलात से आती है। दलात के अंदर है वियतनाम के जितने भी कॉफ़ी के बागात। अब कॉफ़ी की क्या डिटेल्स हैं वो आज आपके साथ मैंने शेयर करनी है सारी की सारी के। और आज के व्लॉग में ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कॉफ़ी के बारे में मिलने वाली है कि आपको उसके बारे में पहले पता ही नहीं होगा। ऐसी साइंस है कॉफ़ी की, जो कई चीज़ें जब मैंने जाने से पहले पढ़नी शुरू की तो मैंने कहा यार इतना कॉफ़ी लवर हो के मुझे ही नहीं अगर इन चीज़ों का पता, तो आप लोगों को तो वाकई आज इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त जिस मैं टाउन से गुजर रहा हूँ यहाँ पे अब आबादी कम है और आगे हमें अब आबादी कम ही मिला करेगी, लेकिन आज जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि डेवलपमेंट, चाहे आबादी कम हो चाहे ज़्यादा हो, डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छी नज़र आएगी। ये नहीं है कि कचरा नज़र आना शुरू हो जाएगा या कोई गंदी सड़कें आना शुरू हो जाएंगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी यार। वियतनाम की रोड्स पे बाइक चलाते मेरा पांचवा दिन था और मैंने नोट किया पूरे शहर में किसी भी चौक या सिग्नल पे कोई ट्रैफिक पुलिस नजर नहीं आती। सिग्नल्स तोड़ने की रवायत यहाँ बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी कोई एक्सीडेंट होता नजर नहीं आता, लेकिन आज हाईवे पे पहली दफा पुलिस ने मुझे रोक लिया। Come on.
रॉयल जी, सो दैट वॉज फर्स्ट एवर इंटरेक्शन विद द पुलिस। पहली दफ़ा इन्होंने रोका मुझे और सिर्फ लाइसेंस चेक किया। ये बात तो मुझे शुरू में पता नहीं, याद नहीं रही। इंटरनेशनल लाइसेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वही सिर्फ चेक किया, ना गाड़ी के कागजात चेक किए इन्होंने, ना कोई और चीज़ चेक की। सिर्फ उन्होंने कहा कि अपना पाकिस्तान का लाइसेंस दिखाओ। तो आने से पहले मैं अपना पाकिस्तान का इंटरनेशनल लाइसेंस बनवा कर ही आया था। ओ क्या मेरा मोबाइल गिर गया। बचत तो हो गई है, क्या मैंने टाइट नहीं किया हुआ था। वे बचत बचत यार, ये तो मैंने ना टाइट ही नहीं किया हुआ था उसको सही तरह, दोनों तरफ से ये टाइट करके देखा। वो असल में हॉस्टल से निकला उस टाइम में और मैंने इसको टाइट ही नहीं किया था। और फिर कुछ देर मैदानी इलाकों को कवर करने के बाद फाइनली एंटर हो गया मैं वियतनाम के माउंटेन्स एरिया में। कमाल की रोड्स और कमाल की सीनरी, बाइक राइडिंग का असल मजा तो अब आना स्टार्ट हुआ। ये अब सही लग रहा है कि हम लोग मरी एक्सप्रेसवे पे आ गए हैं यार, बिल्कुल वैसे ही है। वाह, माउंटेन्स की रोड्स इतनी खूबसूरत हैं कि अगर आप इनको ऊपर से देखें तो क्या कमाल के सीन नजर आते हैं यार। हैवी ट्रैफिक इधर बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा आपको एहतियात, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा आपको एहतियात से चलानी है। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे ना लाइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। सिग्नल ज़रूर तोड़े जाते थे वहाँ पर जब आप शहर के अंदर थे, लेकिन लोग रहते अपनी लाइन के अंदर ही हैं, इधर क्रॉस करके आते नहीं है दूसरी तरफ। और तकरीबन 4 से 5 घंटे राइड करके मैं पहुंच गया वियतनाम के हिल स्टेशन द लात में। शहर के सेंटर में एक खूबसूरत लेक है और ऊंची नीची सड़कों पे बने खूबसूरत कैफे। तो जल्दी से हॉस्टल में चेक इन करने के बाद मैं सीधा आ गया द लात के फेमस कॉफी गार्डन्स और रोस्टिंग फैक्ट्री में। तो अब दिखाता हूँ आपको कॉफी की साइंस, कॉफी की हिस्ट्री और दुनिया की सबसे अजीबोगरीब कॉफी। ओके जी, सो दिस इज मेनलैंड कॉफी गार्डन। और ये क्या है जी, ये तो इनका मेन्यू है खाने पीने का ऑर्डर करने का। सिंचाओ। सो मैं इंटरेस्ट ऑब्वियसली खाली कॉफ़ी पीने नहीं आया, आप लोगों को टूर राउंड टूर भी करवाऊंगा। और जो कॉफ़ी मैंने इसमें सेलेक्ट की है, वन ऑफ द फेमस कॉफ़ी कैपेचिनो, जिसके बीन्स हम लेंगे लोवाक के। अब वो लोवाक क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सो आई हैव टू पे 135K डोंक। ऑलराइट, सो शी इज़ माई ने मुझे आज सारा जो है डिटेल सारी इनकी बता दी है कॉफ़ी से रिलेटेड। अब हम अंदर चलते हैं। वन थिंग इज़ कॉमन बिटवीन मी एंड माई दैट वी बोथ आर कॉफ़ी लवर्स, और काफ़ी ज़्यादा हमने गुफ्तगू की और अब आपके साथ हम शेयर करते हैं कि कॉफ़ी की कहानी है क्या और इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है। ओके, सो सबसे पहले बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने इधर डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है कैफ़े का, और ये है एक साइड सीइंग का व्यू पॉइंट। यहाँ पर बैठ के आप कॉफ़ी इंजॉय कर सकते हैं। प्लस एक बड़ी ज़बरदस्त सामने एक लेक है और जानवरों की आवाज़ें मुझे बहुत ज़्यादा आ रही हैं। एंड आई थिंक दीज आर कॉफ़ी प्लांट्स। तो देखते हैं अगर कोई बीन्स लगे हुए हैं तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। बल्कि नहीं, सबसे पहली चीज़ ही आपको ये बतानी है, कॉफ़ी बीन्स आर नॉट एक्चुअली बीन्स। बीन्स तो कहते हैं सब्जी के दानों को, और कॉफ़ी इज़ नॉट अ बीन, कॉफ़ी इज़ अ फ्रूट। ये है सबसे बड़ी एक हकीकत जो मुझे पहले कभी पता ही नहीं थी कि कॉफ़ी एक्चुअल में फ्रूट है और चेरी है एक्चुअल में। और उस चेरी की जो आगे उसका सीड होता है जिसको हम गिटक कहते हैं उर्दू में, दैट इज़ एक्चुअली कॉफ़ी का वो बीन। अब इसकी हिस्ट्री बड़ी मज़े की है, वो आपको बताता हूँ। पहले मुझे जाने दें ज़रा कॉफ़ी के प्लांट्स के पास। ये है इसका पौधा, अगर आप क्लोज़अप देखें बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, और ये जो आपको ब्राउन ब्राउन सी छाल सी नज़र आ रही है, यहाँ से इन्होंने इसके फ्रूट्स उतारे हुए हैं। कहीं पे मुझे फ्रूट्स नज़र आते हैं ना तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कॉफ़ी का ये जो प्लांट है, इनमें से कुछ प्लांट्स हैं अरेबिका और कुछ प्लांट्स हैं रोबस्टा।
आपने अक्सर कभी कॉफ़ीज़ के या कैफ़ेज़ वगैरह में गए होंगे तो उधर लिखा होता है स्पेशल कोलंबियन कॉफ़ी, स्पेशल अरेबिका कॉफ़ी या रोबस्ता कॉफ़ी। ये चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन अब डिटेल आज मुझे चीज़ें पता चल रही हैं, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं, ये है जी कॉफ़ी की चेरी, इसको कॉफ़ी का फ्रूट कहते हैं। अब ये शुरू में ऐसे ग्रीन कलर की होती है और जब पक जाती है तो बिल्कुल जैसे चेरीज होती हैं पिंक कलर की मीठी मीठी, ये बिल्कुल वैसी हो जाती हैं। ये है जी एक्चुअल में, दिस इज़ एक्चुअल में कॉफ़ी की चेरी। ये जब आपका पूरा पक जाता है कॉफ़ी की चेरी, इस पौधे का जो इसके ऊपर अगर आप देखें तो ये है वो फ्रूट, और ये फ्रूट पूरा पकने के बाद चेरी बन जाती है और जो आप खाते हैं मीठा मीठा, और इसके अंदर फिर जो इसका सीड निकलता है एंड में वो होता है जिसको हम कॉफ़ी का बीन कहते हैं। वो भी बीन नहीं है एक्चुअल में, वो भी इसका सीड है। ये इनके पूरे कॉफ़ी के बाग हैं और ये जितने भी पौधे हैं ये सारे अफ्रीका से आए हुए पौधे हैं, और ये सारे कॉफ़ी के इधर फ्रूट लगता है और वहाँ से फिर उसके सीड निकाला जाता है। तो जी कॉफ़ी का प्रोसेस दिखाने से पहले मैं इसकी आपको मज़ेदार पहले हिस्ट्री बताता हूँ कि कॉफ़ी बेसिकली स्टार्ट कैसे हुई। कॉफ़ी जनाब स्टार्ट हुई आलमोस्ट 8th century के अंदर, कहाँ से, एथोपिया से, जिसको उस ज़माने में हबशा भी कहा जाता था। आपको हिजरत हबशा भी याद होगी, मुसलमानों की पहली हिजरत, वही इलाका जो आज जिस इलाके को एथोपिया कहा जाता है। एक्चुअल में ये जो प्लांट्स आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं ये अफ्रीकन प्लांट हैं एथोपिया के। अब एथोपिया के अंदर कहानी कुछ इस तरह है, जो इसकी हिस्टोरियंस ने पुरानी से पुरानी चीज़ जो निकाली हुई है वो यही है कि एक्चुअल में एक शेफर्ड हुआ करता था जो अपनी बकरियां चढ़ाया करता था, और उसकी बकरियां जब एक इस प्लांट के पास से गुजरती थी और ये जो चेरीज़ लगी होती थी इन चेरीज़ को वो खाती थी तो रात को बहुत ज़्यादा शोर करती थी, बहुत ज़्यादा तंग करती थी और बहुत ज़्यादा एक्टिवली बिहेव करती थी। उसको आइडिया होगा यार ये जब ये फ्रूट खाती है ना, ये जब ये वाला प्लांट खाती है तब इनको कुछ इस तरह का कुछ होता है। वो उन फ्रूट्स को तोड़ के अपने जो भी सूफी था या जो मिस्टिसिज्म के अंदर जो भी उनका कोई साधु था उस इलाके के अंदर, वो उसके पास लेके गया कि यार ये है चेरीज ये वो। उसने उसको कहा कि यार ये तुमने गलत किया है या जो भी, उसने गुस्सा किया और उसको एक साइड पे आग जल रही थी और उस फ्रूट्स को या जो ये जो भी चेरीज थी इसको उसने फेंक दिया एक आग के अंदर। अब यहाँ से एक्चुअल में सीन हुआ, जैसे उसने वो उस आग के अंदर फेंका, अब वो जो फ्रूट था पहले उसका वो जो अंदर फल था वो सारा ख़त्म हुआ और फिर उसके अंदर जो उसका सीड था वो सीड जब पकना शुरू हुआ और एकदम वहाँ पे अरोमा फैलना शुरू हुई कॉफ़ी की और क्या गज़ब की खुशबू फैलना शुरू हुई। वो जब उन्होंने देखा उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी गज़ब की खुशबू आ रही है। वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ, उन्होंने जब उसको बीन्स को फटाफट पकड़ा और उसको ठंडा करने के लिए जब पानी फेंका, अब उसके अंदर से उसका जूस निकल आया। अब वो जो ब्राउनिश वो जो जूस था वो जब उन्होंने टेस्ट किया तो लत लग गई। यहाँ से एक कॉफ़ी की कहानी होती है स्टार्ट। ये चीज़ फिर हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ लोगों में फैलती गई और अल्टीमेटली कैसे कॉफ़ी फिर फैलना शुरू हुई कि मुसलमान लोग जब हज के लिए जाया करते थे डिफरेंट इलाकों से अफ्रीका के होकर गुजर करते थे तो वो फिर ये वाले बीन्स लेके जाया करते थे। स्टार्ट बेसिकली यहीं से हुआ कि वो फिर लोग रात को ये जितने भी साधु थे या उस इलाके के मुस्लिम लोग भी क्रिश्चियन भी, क्योंकि यहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी थी और मुस्लिम भी थी, इबादत करने के लिए और वो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए वो फिर ये वाला पिया करते थे कॉफ़ी का जो भी ड्रिंक था उस ज़माने में। यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलते हुए ये अफ्रीका से अरब के अंदर चला गया। अच्छा अब ये जो ये वाला प्लांट था ये जो एथोपिया के अंदर था इसका नाम था अरेबिका, और इसी तरह का अब एक और प्लांट होता है जो कि कॉन्गो के पास होता है, वो भी अफ्रीका का एक पोर्शन है और उस प्लांट को कहा जाता है रोबस्ता। इसके अलावा दो और भी प्लांट्स हैं लेकिन वो बहुत कम यूज़ होते हैं, नॉर्मली रोबस्ता और अरेबिका, ये दो प्लांट के नाम है। मैं पहले समझता शायद अरेबिका कॉफ़ी का मतलब है जो अरब के अंदर ग्रो हुई हो, और रोबस्ता का तो खैर मुझे पता ही नहीं था, तो आज ये पता चला कि ये दो सिर्फ प्लांट्स का नाम है और अरब के साथ इसका कोई ताल्लुक उस तरह है ही नहीं। सीन ये हुआ कि फिर जब लोगों को पता चलना शुरू हुआ कोई 15th या कहते हैं कि दुनिया का पहला जो कॉफ़ी जो कैफ़े स्टार्ट हुआ था वो इस्तांबुल में स्टार्ट हुआ था कोई 1475 के पास, और फिर यहाँ से इटली चला गया, इटली में कैफ़ेज खुले और फिर चलते चलते ये फिर यूरोप में फैला और फिर अल्टीमेटली दुनिया का आज सबसे बड़ा जो ग्रो करता है कॉफ़ी को वो है ब्राज़ील जो एक्सपोर्ट करता है, और दूसरे नंबर पर वियतनाम है। तो वियतनाम दुनिया में दूसरे नंबर के ऊपर आता है, और दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी की जो कंजप्शन करता है दैट इज़ फिनलैंड।
फिनलैंड, पर कैपिटा जो कॉफ़ी की कंजप्शन है वो फिनलैंड है। अब आगे चलते हैं, इन्होंने पूरा पार्क बनाया हुआ है, राउंड लगाया हुआ है, हम साथ साथ राउंड लगाते हैं और आपको बताता हूँ कि फिर के ये कॉफ़ी बीन्स फिर निकालने के बाद प्रोसेस क्या होता है, कैसे एक्चुअल में हमारे तक ये कॉफ़ी पहुँचती है। आ जाए इनकी फैक्ट्री में, अंदर चलते हैं। ये देखें जी, ये रोस्ट होने के बाद ये डार्क कलर कॉफ़ी बीन्स का जो आ जाता है, अब मैं कॉफ़ी बीन्स ही कहूँगा, कॉफ़ी सीड नहीं कहूँगा क्योंकि नॉर्मली यही टर्म चलती है। तो ये देखें 40 के डोंग हैं 100 ग्राम, फिर ये अरेबिका के हैं, रबोस्ता, फिर ये मोका बटर, इसमें फिर वो फ्लेवर्स वगैरह जो ऐड करते हैं कुछ वो हैं, और सबसे महंगी आप ये देखें 480 के, यानी कि आलमोस्ट 5,000 रुपये की 100 ग्राम। ये दुनिया की महंगी तरीन कॉफ़ी इसको कहा जाता है, इसको वीजल कॉफ़ी भी कहते हैं और लवाक कॉफ़ी भी कहते हैं। अब ये क्या साइंस है ये भी अभी आपको आगे बताता हूँ। सो लवाक बेसिकली इसको वीजल भी कहते हैं वियतनामीज़ में, और इंडोनेशिया के जावा आइलैंड का ये जानवर है। ये देखें ऐसे, ये पिक्चर इन्होंने लगाई हुई है, ये ऐसे खाता है चेरीज़ को, और चेरीज़ खाने के बाद जब पू करता है तो आप ये देखें, ये पू जब करता है तो इसकी पू के अंदर से ये कॉफ़ी के बीन्स निकलते हैं। अब ये जो नेचुरली फर्मेंटेशन के थ्रू उसके स्टमक में से, इंटेस्टाइन में से होके जब ये कॉफ़ी के बीन्स निकलते हैं, तो खुदा का कोई कुदरती प्रोसेस ऐसा है कि ये जो कॉफ़ी बीन ऐसे हाफ रोस्टेड होकर निकलता है, उसकी गर्माहट के अंदर से इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट सबसे यूनिक डेवलप होता है। और दुनिया में सबसे महंगी कॉफ़ी यही वाली है, ये ऑलमोस्ट $600 पर 100 ग्राम के हिसाब से भी बिक रही होती है, और एक कप अगर आपने कॉफ़ी का पीना है तो वो भी 5,000 से भी, अब बल्कि नहीं 5,000 से भी ज़्यादा ही आता है अगर आपने किसी कैफ़े पर बैठ के पीना है। तो ये अगर आप इंडोनेशिया जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये जानवर वहीं का है। तो इन लोगों ने यहाँ पे भी काफ़ी फेमस है, इन लोगों ने यहाँ पे भी रखा हुआ है। आई थिंक अभी ये मुझे बता रहे थे ये वाला शेड है, यहाँ पे शायद इन्होंने लवाक वो जो जानवर है उसको रखा हुआ है, वो भी जाके देखते हैं। यार ये देखें, ये आ गया मैं बिल्कुल अब कॉफ़ी के करीब। ये देखें कितना बड़ा दरख्त है। तो ये है एक्चुअल में चेरी, दिस इज़ एक्चुअल में कॉफ़ी का चेरी, कॉफ़ी का फ्रूट, और इसके अंदर से निकलते हैं कॉफ़ी के बीन्स। मैं समझता था शायद कोई ड्राई फ्रूट होता है और ड्राई फ्रूट की तरह की कोई आइटम होती है बीन्स, मैं कोई सब्ज़ी नहीं समझता था, मैं समझता था जैसे काजू या अखरोट या इस तरह कोई चीज़ होती है ना, तो कॉफ़ी भी शायद ऐसी होती है। लेकिन ये देखें इसके काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं, गुच्छे चेक करें ऊपर कितने बड़े लगे हुए हैं। तो ये है जी कॉफ़ी का फ्रूट, इसको ज़रा हम कट करके देखते हैं अंदर से कैसे निकलता है। काफ़ी ये सख्त है, ओहो, अच्छा ये दो होते हैं बेसिकली, एक फ्रूट के अंदर ये दो होते हैं तो ऐसे निकलता है। ओहो हो, ब्यूटीफुल। और ये कट हुआ, वाह ये चेक करें यार। अच्छा इसके अंदर इतना कोई गूदा नहीं था, डायरेक्ट ही बस ये इसके जो सीड्स हैं ना बस यही हैं। तो आई डोंट नो कि ये हम ऐसे खा सकते हैं या नहीं खा सकते, लेकिन एक्चुअल में इसको जब हम अब रोस्ट करेंगे, ये वैरायटी का बीन है, इसको जब रोस्टिंग करेंगे इसके डिफरेंट स्टेप्स से होती हुई ये गुजरेगी, अगर आप ये देखें तो फिर ये हमारी ज़बरदस्त कॉफ़ी में कन्वर्ट हो जाएगी जी। कॉफ़ी रोस्टरी और स्टोर्ड कॉफ़ीज का सैम्पल एरिया, ये क्या खुशबू आ रही है यार, ओए होए होए होए। तो ये है बेसिकली कॉफ़ी, इसमें से आप ऐसे चेक कर लेते हैं जो कॉफ़ी अंदर बीन्स घूम रहे होते हैं, और उसके बाद इधर घूमती रहती है और हीट जो है ना उसकी निकलती रहती है। ये है जी बीन वाइट, ये भी रोस्ट नहीं हुआ हुआ, ये रोस्ट होने के बाद फिर ये इस तरह का ब्राउन कलर का हो जाता है। तो एक्चुअल में टेस्ट आपका यहाँ पर डिवेलप होता है। अच्छा अब आप जो मेरे इस पूरे रास्ते में साइडों पे देख रहे हैं, इनमें कुछ अरेबिका के भी हैं और कुछ इस तलात के ही रीजन के अंदर रबस्ता के भी हैं। ज़्यादातर जो जो मज़ेदार जो टेस्ट है ना वो अरेबिका का होता है। अरेबिका का जो कॉफ़ी का जो सीड है वो बेसिकली उसमें एसिडिटी कम होती है, वो तुर्श कम होता है, और उसके जो आपको अक्सर जब आप किसी कैफ़ेज़ वगैरह में जाते हैं आपको वो जो चॉकलेटी और उसका नटी और वो जो एक टेस्ट की या उसकी स्मेल भी आती है, जो टेस्ट आता है ना वो एक्चुअल में अरेबिका होता है। तो आइंदा कभी भी आपने जाना है किसी भी कैफ़े में तो पता किया करें, पूछा करें यार ये अरेबिका आपके बीन्स हैं या रबस्ता के हैं। अच्छा रबस्ता इज़ ऑल्सो नॉट बैड, उसकी थोड़ी सी एसिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तुर्श होता है। अगर आप नेस्कैफे की जो वो इंस्टेंट कॉफ़ी रेड ढक्कन वाली आती है ना
क्लासिक वाली जो होती है वो ज़्यादातर वियतनाम से आती है और रबस्ता होती है। और इनमें फ़र्क ये होता है दोनों में कि ये जो अरेबिका होता है ये ज़रा 1000 मीटर से अबव जो माउंटेन्स होते हैं ये वहाँ पर लगाया जाता है और वहीं पर ग्रो करता है, और जो रबस्ता है वो 800 से 900 मीटर की जो हाइट होती है ये वहाँ पे लग जाता है। तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा माउंटेन में भी जाना नहीं जाना पड़ता और ज़्यादा ठंड भी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो यार आपस की बात है, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है कॉफ़ी? हमारे ये जो मानसेरा से ऊपर जितना भी रीजन है केपिका का, ना हम चाय लगाते हैं ना हम कॉफ़ी लगाते हैं, इम्पोर्ट पर इम्पोर्ट करी जाते हैं। तो ये तो इतना माइल्ड टेम्परेचर तो हमारे पाकिस्तान के पता नहीं किन किन इलाकों में मिल जाता है। इतनी चाय हम प्रोड्यूस कर भी सकते हैं, कॉफ़ी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। एनीवेज तो दुनिया में अब ये जो वियतनाम है, वियतनाम में अरेबिका भी प्रोड्यूस हो रही है और रोबस्ता भी हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर इनकी रोबस्ता वाले जो प्लांट है वो हो रहा है, जो कॉन्गो का बेसिकली प्लांट है। तो इसलिए फिर ये क्या करते हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स बनाते हैं, अरेबिका को मिक्स करते हैं ख़ास मिकदार के अंदर, कुछ मिकदार के अंदर ये लोग रोबस्ता को मिक्स करते हैं, और फिर एक्चुअल में जो फ्लेवर बनता है वो होता है रोस्टिंग से। और यहाँ पर इन्होंने डिफरेंट अपना एक कैफ़े बनाया होगा कैसे ये लोग कॉफ़ी की ब्रूइंग करते हैं, और पूरी एक साइंस है यार कॉफ़ी, कॉफ़ी एक प्रॉपर साइंस है कि कितने टेम्परेचर किस तरह उसको क्रश करना है। ये है इनका वो जिसमें कॉफ़ी को रोस्ट किया जाता है, वो मशीन जिसमें कॉफ़ी को एक ख़ास टेम्परेचर के अंदर ये लोग इसको हीट करते हैं, और फिर जो वाइट बीन्स है फिर हो जाता है ब्राउनिश और चॉकलेटी। तो ये भी क्या करेंगे, अगर आप ऑर्डर करते हैं फ्रेश यहाँ से कॉफ़ी पकड़ेंगे, इसको यहाँ पे फ्रेश रोस्ट करेंगे। और हमेशा याद रखें फ्रेशली रोस्टेड एक्चुअल कीमत जो है ना वो फ्रेशली रोस्टेड की होती है। ये चीज़ भी मुझे नहीं पता थी, ये मुझे अब पता चली है, और अब मैं पाकिस्तान में फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी पीता हूँ। जितनी कॉफ़ी पुरानी होती जाती है उसका टेस्ट भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता जाता है और ख़त्म होता जाता है। ये जो हम इंस्टेंट कॉफ़ी पीते हैं ना, ये दुनिया की सबसे थकी हुई जो एंड में फारग तरीन कॉफ़ी होती है ना, ये वो बेसिकली होती है। क्या करते हैं ये जो बीन्स, अब आपने देखे ना जितना बीन साबित होता है उसके अंदर उतना टेस्ट होता है। जो बीन टूट जाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा जल जाता है कोई कम जलता है, तो इस तरह के जितने भी होते हैं बीन्स, इनको फिर एंड में क्या करते हैं कि इसको ब्रूइंग करते हैं, इसमें से पानी निकालते हैं कॉफ़ी का, और फिर ड्राई करके उसका एक पाउडर सा बना लेते हैं, वो इंस्टेंट कॉफ़ी के तौर पर भेजते हैं। लेकिन जो आप कहते हैं ना मैकडोनल्ड में जब जाते हैं, या किसी भी अच्छे स्टारबक्स में जाते हैं, किसी भी अच्छे ग्लोरिया जीन सेकेंड कम कैफ़े किसी में भी आप जाते हैं, तो आपको वो जो सही वो जो कॉफ़ी की खुशबू महक और वो जो आती है वो एक्चुअल में इसी वजह से आती है कि उनके पास फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी होती है, पुरानी नहीं होती। तो अब हम कॉफ़ी के गार्डन के साइड पे चल रहे हैं। ये नहीं समझना कि ये कॉफ़ी के ट्रीज़ लगे हुए हैं तो इधर कॉफ़ी की खुशबू ही आ रही होगी, इतना लंबा प्रोसेस है जो स्टेप्स बताए हैं। तो कॉफ़ी आपको बड़े ही एंड प्रोसेस पे जाके मिलती है, और अभी तो कॉफ़ी बनाने के बाद रोस्टिंग के बाद क्या सीन होता है वो भी अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। तो अभी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त पाथ बनाया हुआ है, ये मेरे चारों तरफ इस वक्त कॉफ़ी के, अच्छा आम के दरख्त की तरह लगते हैं, इसके पत्ते देखें कितने बड़े बड़े होते हैं, कई ऊंचे-ऊंचे दरख्त भी हैं और कई ये छोटे छोटे से दरख्त भी हैं। तो अब मैं अंदर लेके जा रहा हूँ आपको वेजल या लोवाक एनिमल के पास। किन्ने सोचे होना है यार वैसे, और पूप भी खाइए। सो ये है जी पिंजरा। अच्छा जी, यहाँ से हम एंटर होते हैं पुश। तो ये देखें जी, ये पूरा एक इनक्लोज्ड एरिया इन लोगों ने बनाया हुआ है। ये छोटे छोटे से पिंजरे हैं, काफ़ी ज़्यादा, हर पिंजरे के अंदर एक दो जो लोवाक एनिमल हैं वो मुझे नज़र आ रहे हैं। दरवाजे हालांकि इनके खुले भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सब लोग जो हैं वो अंदर ही रेस्ट कर रहे हैं, शायद शाम का टाइम है। ये इनके कुछ नॉर्मल खाने पड़े हुए हैं, और ये सारे कॉफ़ी के प्लांट्स इनके लिए अंदर लगाए गए हैं। सो बेसिकली ये जो एनिमल है लोवाक, ये यहाँ से अपने घरों से बाहर आता है और ये कॉफ़ी के जितनी भी चेरीज है ना वो खाता है। अब चेरीज खाने के बाद आगे क्या होता है वो अब आपको सामने बताता हूँ। एक्चुअल में जो इसकी पूप है वो ये है, इस तरह निकलती है इसकी पूप। ये पूप जब डाइजेस्ट हो गया, देखें उसके वो उतर गए हैं, इसके जो फ्रूट के वो जो छिलके वगैरह थे, और सारे के सारे जितने भी कॉफ़ी के बीन्स हैं वो इकट्ठे होके ऐसे निकलते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद इसको किया जाता है, इसकी पूप को ड्राई किया जाता है, और सनलाइट में इसको ड्राई किया जाता है, और उसके बाद इसके ऊपर वो जो गंध होता है उसकी जो पूप वगैरह होती है उसको पील ऑफ किया जाता है उसको। तो ये है वो एक्चुअल में बीन। ये आप यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा मोटा मोटा दाना है,
और ये एक्चुअल में जो है वो आपके ग्रीन कॉफ़ी बीन, जिनको आप है तो वाइटिश लेकिन ग्रीन आप इसलिए कहते हैं कि ये भी रोस्ट नहीं हुआ हुआ। फिर आपकी आ जाती है ये रोस्टिंग की मशीन, और रोस्टिंग की मशीन के बाद ये फिर आपकी रोस्टेड कॉफ़ी ऐसे बनती है, आए हाय हाय हाय। और फिर ये डिफरेंट उसकी ग्राइंडिंग की जाती है, इन बीन्स को ड्राई किया जाता है और फिर इसको क्रश किया जाता है छोटे छोटे से पार्टिकल्स में, और फिर हम इसकी ब्रूइंग करते हैं, एंड में कॉफ़ी जो है हमारे मग तक पहुंचती है। तो ये है जनाब कॉफ़ी का कैसे सफ़र स्टार्ट होता है, कहाँ से बनती है, और ये वाली दुनिया की सबसे महंगी तरीन $600 की ये कॉफ़ी मिलती है और लोग पीते हैं। और हमने सुना था जी मरियम नवाज़ जो है ना वो ये वाली कॉफ़ी पीती है, आज हम भी वाली कॉफ़ी ट्राई करते हैं, हमने भी इसको अच्छे खासे पैसे पे किए हैं। तो आज कॉफ़ी हम पियेंगे लोवाक और वीजल एनिमल के पूप वाली क्योंकि कॉफ़ी लवर हैं, तो यार इतनी अगर मशहूर है इतनी दूर आए हैं तो आज ये वाली कॉफ़ी पीनी बनती है। यस ऑलराइट, शुगर प्लीज। दिस इज लोवाक, लोवाक कैपुचिनो, एंड इट्स टेस्ट इज डिफरेंट देन देन वी डोंट मेट द लोवाक कैपुचिनो, वी मेट द कैपुचिनो फ्रॉम द लोवाक कॉफी। ओके, कैपुचिनो फ्रॉम द लोवाक कॉफी, यस यस यस। बट दिस इज अरेबिका बीन्स, अरेबिका बीन्स फर्स्ट ईटन बाय लोवाक एंड देन पू एंड देन रोस्टेड एंड देन ग्राइंडेड। ओके, ऑलराइट ऑलराइट। सो जनाब कॉफ़ी आ गई है हमारी, लोवाक की पू की कॉफ़ी आ गई है। ओ जी पहले आपको टेस्ट करके बताते हैं, ये है बेसिकली जो आपको सारा भी प्रोसेस मैंने बताया लोवाक वाला, ये उसी लोवाक की कॉफ़ी है। और अब आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका टेस्ट कितना डिफरेंट है। पहले ऐसा करते हैं शुगर के बगैर पीते हैं। नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बट लाइट है काफ़ी, मुझे वैसे आपस के पता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पसंद है, लेकिन टेस्ट बहुत ही फिट किस्म का डेवलप हुआ हुआ। अमेजिंग यार, ये अजीबो गरीब के किसी किस्म के कोई कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। वैसे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क कोई नहीं लगा अरेबिका की, जो कैपुचिनो हम नॉर्मल पीते हैं जितने भी अपने कैफेज़ वगैरह में, मुझे उसी से मिलती जुलती लगी है। मेरा ख्याल है सिर्फ एक ये ज़ेहनी तस्कीन है लोगों को बताने के लिए कि मैंने बहुत कोई महंगी कॉफ़ी पी है। ये तो है कैपुचिनो। आखिरी चीज़ अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको पता है कॉफ़ी पीने के भी फिर डिफरेंट तरीके हैं। एक तो मैंने डिफरेंट आपको प्लांट्स बता दिए, अरेबिका रोबस्ता, फिर उसको रोस्ट करने के डिफरेंट तरीके हैं, डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर डिफरेंट फ्लेवर्स। अब ग्राइंड होने के बाद, रोस्ट होने के बाद जब आपके पीसेस आ गए हैं, अब आपने उसको पीना कैसे, इसके भी डिफरेंट तरीके हैं। आपको पता है नंबर वन होती है एस्प्रेसो। एस्प्रेसो क्या होती है कि आप उस मशीन के अंदर पाउडर लगाते हैं जो कॉफ़ी मशीन होती है, और उसके अंदर से जो आई थिंक 8 या 9 bar का वो प्रेशर होता है, वो उस प्रेशर के ऊपर जब उसका हॉट लिक्विड के साथ वो उसका जूस निकलता है और ऊपर एक वाइटिश सी लेयर भी आती है, उसको कहते हैं एस्प्रेसो। और वो आई थिंक कोई 60 ml के करीब करीब होता है। उसके बाद फिर आप उसके अंदर अगर थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं तो वो हो जाती है अमेरिकानो। उसके बाद एस्प्रेसो के अंदर अगर आप मिल्क ऐड कर देते हैं और मिल्क के साथ उसकी ऊपर फ्रोथ आ जाती है जो कि ये है ऊपर झाग, इसको कहते हैं कैपुचिनो। इसी में अगर आप मिल्क की क्वांटिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर दें और झाग को थोड़ा कम कर दें, वो बन जाती है आपकी लाटे। तो लाटे और जो कैपुचिनो है ये ज़रा करीब करीब ही हैं। दूध ज़रा इसमें कम होता है, इसमें झाग ज़्यादा होती है, तो इसलिए ज़रा झाग वाला ज़रा ज़्यादा मुझे पसंद है। इसके बाद अगर आप एस्प्रेसो के अंदर थोड़ी सी हॉट चॉकलेट ऐड कर लें और फिर मिल्क और उसके ऊपर वही फ्रोदिंग जैसे कि इसके ऊपर है, उसको कहते हैं मोका। यानी इसमें चॉकलेट थोड़ी सी ऐड हो गई है तो उसको कहते हैं मोका। और अगर सिर्फ एस्प्रेसो के साथ मिल्क फोम हो जो कि ऊपर वाली सिर्फ झाग होती है, अगर आप उसको बीट करते हैं और ऊपर जो झाग आती है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं मचियातो। और लास्ट डे जब मैं होचीमिन के अंदर वो किंग वो जो फ़िश वाला कैफ़े था उसमें जाके मैंने पी थी कि आप एस्प्रेसो और उसको आइसक्रीम के साथ मिक्स करके खाते हैं तो उसको कहते हैं एफागातो। तो बेस जो इंग्रेडिएंट है वो आपका एस्प्रेसो का ही शॉट है, वो जो आपका 50 से 60 ml का मशीन के अंदर से निकलता है। घर में जब हम ब्रिविंग करते हैं ना तो वो एटमोसफेरिक प्रेशर के अंदर करते हैं तो टेस्ट उस तरह नहीं निकलता, जब आप मशीन के अंदर करते हैं तो खास टेम्परेचर प्रेशर पे वो जो उसका चॉकलेटी नट्टी टेस्ट निकलता है ना उसकी क्या बात है। तो ये थी आज की
कॉफ़ी की सारी डिटेल, इसकी हिस्ट्री। आई होप आपने आज पहली दफ़ा ये सारी कॉफ़ी की इतनी डिटेल सुनी होगी। मैंने इसलिए आपको बताई क्योंकि मैं कॉफ़ी लवर हूँ, मैं एडिक्टेड हूँ ऐसे कॉफ़ी की एडिक्शन है मुझे, और डिफरेंट फ्लेवर डिफरेंट टेस्ट मुझे इन्जॉय करने का बहुत मज़ा आता है। अब इन्होंने ये पार्क बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है, ऊपर एक रेनबो पाथवे है, वहाँ चलता हूँ और फिर वहाँ जाके अपना व्लॉग एंड करते हैं। ऑल राइट जी नाजरीन, सो दैट वॉज अ ब्यूटिफुल डे इन दलात, और मैंने आपको दिखाई कॉफ़ी के जितने भी यहाँ के बागात हैं और कॉफ़ी की इन्फॉर्मेशन। सो दैट वॉज ऑल, शाम हो रही है, काले काले बादल आ रहे हैं, ठंड भी पड़ रही है, जल्दी से बाइक पे बैठता हूँ और निकलता हूँ दलात में अपने हॉस्टल की तरफ। कल का दिन मेरा फिर दलात के अंदर ही होगा, इधर माउंटेन्स हैं तो कोई ना कोई एक्टिविटीज़ एडवेंचर वाली होगी, वो दिखाऊँगा आपको अगले एपिसोड में। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।